So a very good evening to all of you guys and welcome back once again to the session. So as you all know, ASRB का पेपर अब आने ही वाला है, एक डेढ़ महीना बचा है प्री में और उसके बाद मेंस भी आएगा. मेंस की डेट अभी तक कोई फाइनलाइज हुई नहीं है, बट जो इसका 2014 का पेपर हुआ था अगर हम उसके हिसाब से देखें तो मेंस होने में टाइम लगेगा. तो आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज. अगर आप डायरेक्टली क्लास में ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी ग्रेड पे है इसमें एंड ऑफकोर्स एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम है. तो अब आपको रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए प्री के लिए एंड फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू हेल्प थ्रू दीज सेशंस. आज के सेशन में हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की फ्रॉम द सेम चैप्टर. जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हमने चैप्टर पहले पढ़ा था उससे 5 क्वेश्चन करे थे, आज के सेशन में हम करेंगे 10 क्वेश्चन. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वो सभी एक्ट्स हम पढ़ते हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश क्राउन ने इनैक्ट किए थे, ओके okay? और उससे रिलेटेड आज 10 क्वेश्चन हम करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की एंड ऑफकोर्स आई विल ऑल्सो गिव यू द एक्सप्लेनेशन. मैं केवल आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अ सेपरेट ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई द ब्रिटिश क्राउन विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ओवर दी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करूंगा ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके. तो क्वेश्चन ये है कि कौन से एक्ट के द्वारा एक सेपरेट ऑफिस बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिसके पास पूरी कमान थी, जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू कंट्रोल दी एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रिटिश इंडिया. सो इफ यू रिमेंबर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस एक्ट के बारे में. आपको हो सकता है अगर इससे क्लिक ना हो रहा हो तो और हिंट से क्लिक हो जाए. पहला हिंट तो ये है कि जब 1857 की लड़ाई हुई, 1857 का जब युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को लगने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की नहीं हो रहा कि वो इंडिया के अफेयर्स को मैनेज कर सके. तो उन्होंने सोचा कि अब जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाने की जरूरत आ चुकी है, ठीक है. तो उसके बाद ये वाला एक्ट लाया गया और इस एक्ट के थ्रू पहली बार वॉइसराय ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट किया गया था. वॉइसराय ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट किया गया था, गवर्नर जनरल का ऑलरेडी चल रहा था. याद रखना, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि गवर्नर जनरल का ऑफिस खत्म करके वॉइसराय बनाया गया था, पर ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. गवर्नर जनरल का ऑफिस ऑल एग्जिस्टिंग था और उसके एडिशन में एक वॉइसराय ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया था. लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कोई कंफ्लिक्ट ना हो, जिसकी वजह से वॉइसराय और गवर्नर जनरल दोनों के ऑफिस का जो बेरर था वो एक ही आदमी था, ऑफिस होल्डर एक ही आदमी था, वाइसराय और गवर्नर जनरल एक ही था, ताकि दोनों में कोई कंफ्लिक्ट ना आ सके, ठीक है. बस दो अलग अलग सेपरेट ऑफिस थे और जो वाइसराय का ऑफिस था बेसिकली उसका काम था डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ डील करना, ओके. लेकिन एक ही पर्सन सारी चीजों से डील करता था. एक कुछ टॉपिक्स में वो वाइसराय की तरह एक्ट करता था और कुछ सब्जेक्ट्स में वो गवर्नर जनरल की तरह एक्ट करता था, ठीक है. एंड पहले वाइसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग, एज यू ऑल नो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है. इसके अलावा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया था जो हमारा क्वेश्चन है, और पहले सेक्रेटरी कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनली. एंड इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात इस एक्ट में ये भी हुई थी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चला हुआ आ रहा था उसको इसने खत्म कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था. ऑलराइट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इसने एबॉलिश कर दिया था. तो आई होप गाइज अब आपको इसका आंसर पता लग गया होगा. सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन नंबर बी. और आप अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट में लिख के जरूर बताना. पहले का आंसर हो गया ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. और इस तरीके से रिवीजन में हम लोग करते जाएंगे साथ में. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इन हाउ मेनी प्रोविंसेस डायआरसी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा है तो उसको हम मोंटागू चेंसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कह लो या मोंटागू चेंजफोर्ड रिफॉर्म्स कह लो. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी. क्या हुई थी, देखो, चार्टर एक्ट 1833 में पूरी तरीके से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो छिन गई थी, प्रोविंसेस के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं थी. फिर चार्टर एक्ट 1861 में जो ऑटोनॉमी थी उसको वापस देने की शुरुआत हुई थी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी. याद रखना, माइंड माय वर्ड्स, शुरुआत हुई थी. अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब पूरी तरीके से छिन गई थी, आंसर वुड बी चार्टर एक्ट 1833.
अगर कोई पूछेगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर वुड बी चार्टर एक्ट 1861। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी तरीके से कब दे दी गई थी, आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी तरीके से छीन ली गई थी 1833 में, वो वापस मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जाके, इतने सालों के बाद जाके। तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इसमें क्या हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स थे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इस समय इंडियंस की डिमांड थी ऑफ कोर्स कि भाई हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। तो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल और प्रोविंशियल। ठीक है, इन्होंने बोला हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। और वो गड़बड़ क्या थी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इन्होंने बांट दिया दो पार्ट्स में, एक था रिजर्व सब्जेक्ट और एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और रिजर्व सब्जेक्ट को की कमान, रिजर्व सब्जेक्ट का कंट्रोल इन्होंने दे दिया गवर्नर ऑफ प्रोविंस के हाथ में। और गवर्नर ऑफ कोर्स किसके कंट्रोल में काम करता था, वाइसराय और गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, समझ गए। तो इन्होंने बहुत जो है काफी ट्रिकी सी सिचुएशन रख दी थी। एंड ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, बिकॉज मांगी तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी और दी थी इन्होंने डायर्ची। तो ये जो दो सब्जेक्ट्स में डिवीजन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायर्ची बोलते हैं। और ये जो डायर्ची थी गाइस, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 8 प्रोविंसेस में। कौन से 8 प्रोविंस थे ये, असम था बंगाल, नंबर 2 बिहार एंड उड़ीसा, असम बंगाल बिहार एंड उड़ीसा यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस बॉम्बे मद्रास एंड पंजाब। ये 8 प्रोविंसेस थे जहां पे डायर्ची को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चीज और हुई थी कि जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि आज का यूपीएससी है, उसको एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी और 1926 में उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुई थी, अगर आपको याद हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी फॉर मुस्लिम्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए था केवल, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था किनके लिए, सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है, इसके अलावा यूरोपियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। एंड आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम अगर है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि कुछ सीट्स केवल मुस्लिम के लिए रिजर्व होंगी और वहां पे वोटिंग भी केवल मुस्लिम ही देंगे। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ओके, सो आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्लियर है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 8 प्रोविंसेस में डायर्ची को इंट्रोड्यूस किया गया था। और डायर्ची का मतलब क्या था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का दो पार्ट में डिवाइड होना, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Through which of the following acts a separate electorate for Muslims was created? अभी मैंने आपको बताया Indian Council Act 1909। अब ये जो separate electorate for Muslims था, ये कैसे create हुआ था, क्या अंग्रेजों ने खुद ही दे दिया था? नहीं। If you all know, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग का एक डेप्यूटेशन लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमला डेप्यूटेशन बोलते हैं इसको। और इन्होंने लॉर्ड मिंटो से डिमांड करी थी कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। एंड देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया गया। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में एक अच्छी बात यह हुई थी कि तीन इंडियंस को इंक्लूड किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूड किया गया था। और ये पहले इंडियन थे जो कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे। ओके, तो इसका सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन वाज द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। एंड इसके बारे में बात की गई थी सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की बात करी थी, स्टैट्यूटरी कमीशन। और इस स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाना था 10 साल के बाद, एक्ट
के आने के 10 साल के बाद यानी कि 1929 में, और इस कमीशन का काम ये होना था कि वो ये देखता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो स्टैट्यूटरी कमीशन, और इसके बाद आपको याद होगा 1929 में आना था लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया था, जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था बिकॉज उसपे सारे मेंबर्स इंग्लिश थे। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था गाइस 1926 में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपको पता है कि आरबीआई एक्ट 1934 है और उसके बाद आरबीआई बना था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट कौन सा हो सकता है। ठीक है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि हमारी आजादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, हमारी आजादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था ये। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात की गई थी किसकी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अगर हम अभी एस्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो बन गया था, इन्होंने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी फॉर टू और मोर प्रोविंसेस। ठीक है, और उस समय स्टेट नहीं था, प्रोविंस थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑफ कोर्स कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अभी अभी मैंने आपको बताया 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में इसकी बात हुई थी, और ऑप्शन ई इसका सही आंसर है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत बार आ चुका है तो आगे भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइसराय, अंडर विच वन मेंबर ऑफ द काउंसिल वॉज असाइंड पोर्टफोलियो ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। देखो ये वाला जो एक्ट है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, पोर्टफोलियो सिस्टम की, जहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बता दिया है, चार्टर एक्ट 1861 है ये, बेसिकली आंसर मैं बता देता हूँ। चार्टर एक्ट 1861, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, मेरे शब्द याद रखना, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत हुई थी, और पूरा का पूरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब मिला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जाके। पहली बात तो ये अच्छी हुई थी, और दूसरी चीज ये हुई थी, राजा ऑफ बनारस, इसके अलावा महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन तीनों लोगों को सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली थी। अब नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एंड दीज थ्री पीपल्स वर इंक्लूडेड। ये तीनों लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने वाले पहले इंडियंस थे। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने वाले पहले मेंबर थे। ऑल राइट, सो इसका सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन ए। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8 देन। थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द वाइसराय काउंसिल वॉज इंक्रीज टू 5। पहले इससे पहले कितने थे, 4 थे, जो कि बढ़ के कितने हो गए थे, 5। द फिफ्थ मेंबर वॉज एडेड फॉर द मैटर्स ऑफ डैश। तो पांचवा जो मेंबर्स था उनको कौन से मैटर्स के लिए ऐड किया गया था। सो रिमेंबर, जो पांचवा मेंबर थे, उन 1861 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या चीजें हुई थी, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिफ्थ मेंबर थे फाइनेंस के लिए, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि 1874 में सिक्स मेंबर भी ऐड हो गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर लुकिंग आफ्टर द पब्लिक वर्क्स के लिए। 1876 में छठा मेंबर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुआ था, किसके लिए, पब्लिक वर्क्स के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी फाइनेंस हेयर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस अ फेडरल स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल लेवल डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इनटू फेडरल प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि आज की क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसका आइडिया इसी एक्ट से आया था सबसे पहली बार। और ये एक्ट हमारे आजाद होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम किया था इसने। इस एक्ट में फेडरल कोर्ट और आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, इस एक्ट में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी।
तो आई होप आप इसका आंसर समझ पा रहे हैं. इसका आंसर ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज का, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज बेस्ड. कौन से प्लान के ऊपर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बेस्ड था. लेट मी गिव यू सम मोर हिंट्स. इसको 3rd जून प्लान भी कहते हैं. एंड गवर्नमेंट ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन 18th जुलाई 1947. मतलब इट हैड रिसीव्ड द रॉयल असेंट. इसको असेंट मिल गई थी 18 जुलाई 1947 को. बट ये डिसाइड हुआ था कि जो पावर होंगी वो ट्रांसफर होंगी ऑन 15th अगस्त 1947. और इसके अलावा दो डोमिनियंस बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान. एज वी ऑल नो, इंडिया एंड पाकिस्तान. और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा. अब देखो 1947 में देश आजाद होने वाला था, तो देश किसी ना किसी संविधान से तो चलेगा. बिना संविधान के कैसे चलेगा, वरना तो फिर जंगल राज बन जाएगा. तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को कंसीडर किया गया एज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये जो प्लान था इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान. ऑप्शन डी माउंटबेटन प्लान इसका सही आंसर है. ऑलराइट, तो ये थे गाइस 10 क्वेश्चन. और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस और चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. आप विजिट कर सकते हैं courses.anujindal.in पे, और देयर यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ दीज कोर्सेज. इसके इन कोर्सेज के आपको डिटेल्स मिल जाएंगे वहाँ पे. एंड अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, इन फ्यूचर डिस्काउंट कम हो जाएगा. और जल्दी जाओ विजिट करो courses.anujindal.in. इसमें सारे आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, PDFs मिलेंगी, डाउनलोडेबल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जितनी चीज़ें हो सकती है. टेलीग्राम ग्रुप है एक, टेलीग्राम ग्रुप पे आपके डाउट सॉल्व भी होंगे. ऑलराइट, एंड दैट्स इट फॉर द सेशन. आई होप 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हैं. एंड मिलते हैं अगले हफ्ते. और कल के सेशन में साहिल सर विल टेक द सेशंस फॉर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो उनका मन होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.